हाय नमस्कार, जय हिंद। हमारे घर परिवार या समाज में जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बात आती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि जैसे आप अपनी प्रॉपर्टी अपने पुत्रों को देना चाह रहे हैं, या फिर अपनी पत्नी को कोई आदमी दे सकता है, या फिर कोई भाई भाई को दे सकता है, बहन को दे सकता है, तो इसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कहा जाता है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात यह होती है कि कम स्टाम्प ड्यूटी कैसे लगे और एफिशिएंट तरीके से वो प्रॉपर्टी ऐसे ट्रांसफर हो कि कल के दिन विवाद का कारण न बने। यार, हमारे समाज में अभी भी प्रॉपर्टी को लेकर इतना ज्यादा वाद विवाद चलता है। अगर आप केसेस देखेंगे कोर्ट में, चाहे तहसील में हो, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी का केस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे आज 6 तरीके बताने वाला हूं इस वीडियो में, जिसका यूज करके एफिशिएंट तरीके से आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं और कम स्टाम्प ड्यूटी के साथ। कम स्टाम्प ड्यूटी आपको लगेगी, आपको कानूनी तरीके से ट्रांसफर करने के लिए ये तरीके वैलिड होंगे। सो इस वीडियो पे बने रहे लास्ट तक, बहुत ही छोटा वीडियो होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो तरीका है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए, जो लोगों के मन में आता है, वो सेल डीड आता है, ठीक है। और सेल डीड एक ऐसा तरीका है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का, जिसमें से एक कानूनी रूप से डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है, जिसे सेल डीड कहा जाता है। इसमें सेल डीड का मतलब विक्रय पत्र होता है। तो अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी को देना चाह रहे हैं, या फिर किसी को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, अपने दोस्त को या किसी को भी, तो फर्स्ट ऑप्शन जो हो सकता है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन वो ये हो सकता है कि सेल डीड आप करा दें। अब सेल डीड तब आप कराएंगे जब आपको आपके परिवार से दूसरे को प्रॉपर्टी देनी है। तो ऐसे में सेल डीड बेस्ट ऑप्शन होता है। सेल डीड के ऑप्शन पे ये हो जाता है कि गवर्नमेंट के तरीके से या कानूनी तरीके से हमने प्रॉपर्टी दूसरे को ट्रांसफर कर दी है। इस पे एक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री बनती है, जो कि रजिस्ट्रार के सामने रजिस्टर्ड कराया जाता है, और इसके बेस्ड पर फिर प्रॉपर्टी का म्यूटेशन हो जाता है। तो सेल डीड सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। सेल डीड के बेस पर मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी ट्रांसफर किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है कि इसपे जो स्टाम्प ड्यूटी होती है, वो स्टाम्प ड्यूटी इस बात पर वियर करती है कि जैसे प्रॉपर्टी अगर ग्राम पंचायत की हुई तो कम स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, अगर वही प्रॉपर्टी नगर निगम या नगर पालिका हुई तो ज्यादा लगेगी, और अगर और हाईवे की हुई तो उस पर ज्यादा लगेगी, तो स्टाम्प ड्यूटी यहां पर ज्यादा लगती है। दूसरा जो तरीका होता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर का, गिफ्ट डीड। इस तरीके में एज कंपेटिवली सेल डीड की अपेक्षा बहुत ही कम पैसा लगता है, और गिफ्ट डीड में जो पैसा लगता है वो आप मान के चलिए कि अगर अभी मैंने जस्ट 10 से 15 दिन पहले ही अपने घर के पड़ोसी का एक गिफ्ट डीड कराया, वो आदमी अपने पत्नी के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है, तो सेल डीड पर जो प्रॉपर्टी 35x70 की जमीन की जो प्रॉपर्टी का सेल डीड पड़ रहा था, वो 1,70,000 के आसपास जा रहा था इसका टोटल स्टाम्प ड्यूटी। यही गिफ्ट डीड में वो टोटल 35,000 के आसपास चला गया। तो 35,000 में टोटल गिफ्ट डीड, यानी कि दान पत्र या उपहार विलेख जिसे कहा जाता है, वो बन गया, और उपहार विलेख के आधार पर आपका म्यूटेशन हो जाएगा। इसके बाद आप प्रॉपर्टी के मालिक बन जाइए। गिफ्ट डीड आप किसी को भी कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने लड़के को कर सकते हैं दान में दे, इसको दान पत्र भी कहा जाता है, तो गिफ्ट डीड का दूसरा नाम दान पत्र भी है, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो गिफ्ट डीड आप लड़के को, पत्नी को, भाई को, जिसको भी चाहे अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। सेकंड सबसे ज्यादा वाइडली यूज जो होता है गिफ्ट डीड यूज फॉर ट्रांसफर प्रॉपर्टी विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ मनी, टिपिकली बिटवीन फैमिली मेंबर्स। तो फैमिली मेंबर्स के बीच में आप गिफ्ट डीड का यूज करके प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए आपको सिर्फ रजिस्ट्रार के पास जाना, गिफ्ट डीड अपनी बनवानी है। तीसरा जो चीज होती है वो होती है वसीयत या विल। वसीयत या विल ऐसी चीज होती है कि जो इंसान अपने मरने से पहले एग्जीक्यूट करता है कि मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी किस वे में ट्रांसफर होगी मेरे विधिक वारसानों को। जैसे सपोज करिए कि जो ए मेंबर है उसकी डेथ होने वाली है, तो ये अपनी डेथ होने से पहले एक वसीयत बनाएगा, एक रजिस्टर्ड वसीयत हो या फिर अनरजिस्टर्ड वसीयत हो, उस वसीयत के बेस पर ये प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। वसीयत में ये चीजें इंक्लूड होती हैं दो गवाहों के साथ साथ कि भाई प्रॉपर्टी किस लड़के को कौन सी मिलनी है और किस तरीके से बांटी जाएगी। ये सारे पार्टीशन प्रिंसिपल्स जो होते हैं वसीयत में मेंशन होते हैं, तो ये भी एक कॉमन प्रोसेस होता है बंटवारा करने का। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है फैमिली मेमोरेंडम। ये सबसे एफिशिएंट वे है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का, प्रॉपर्टी के पार्टीशन करने का। फैमिली मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है कि आपसी में प्रॉपर्टी का बंटवारा करना। इसे सपोज करिए, ए पार्टीशन डीड इज यूज्ड टू डिवाइड प्रॉपर्टी अमंग को ऑनर्स सच एज इन केस ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। तो जैसे एक फादर है, सपोज करिए ये एक फादर है, इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इनकी डेथ होने के बाद इनकी जो प्रॉपर्टी है वो इनके 5 पुत्रों के बीच आती है, ए बी सी डी और ई।
ये पांचों का नाम एक प्रॉपर्टी में है। अब इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना है इनके अपने अपने हिस्से में, तो ये लोग क्या करेंगे, एक फैमिली मेमोरेंडम बनाएंगे जिसे बंटवारा विलेख कहा जाता है। इस फैमिली मेमोरेंडम में ये इनकी कंसेंट होती है कि जो हमारी प्रॉपर्टी है, शामिल खाते की जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आपस में इस तरीके से हमें बांट दी जाए, हमारा बंटवारा कर दिया जाए। तो इस पे क्या होता है कि पार्टीशन का एप्लीकेशन फाइल करते हैं आप तहसील कोर्ट में, अंचल कार्यालय में, और वहां पर ये एप्लीकेशन फाइल करने के बाद जो तहसीलदार होता है एक आपसे फर्द बनवाता है, यानी कि फर्द बंटवारा यहाँ पर बनाया जाता है। ये फर्द बंटवारा बनवा के और इस फर्द बंटवारा में ये कहा जाता है कि भाई जो ये शामिल खातेदार हैं ये इस हिसाब से प्रॉपर्टी का बंटवारा चाह रहे हैं जो कि फर्द बंटवारा में मेंशन है। जैसे कि अगर एक प्रॉपर्टी ये जो प्रॉपर्टी है ये चाह रहे हैं कि हमारी इस प्रॉपर्टी में ए यहां पर लेना चाह रहा है, सी यहां पर लेना चाह रहा है, ई यहां पर लेना चाह रहा है, डी ऐसे लेना चाह रहा है, तो ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी अगर बढ़ जाए, वहीं अगर ये चाह रहे हैं कि कोई एक प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाए, तो ये फर्द बंटवारा प्रस्तुत करके दे देंगे कि 501 नंबर की प्रॉपर्टी, अगर ज्यादा प्रॉपर्टी है तो 501 नंबर की प्रॉपर्टी इसकी, ज्यादा हिस्सों की अगर प्रॉपर्टी है तो ए को चली जाए, 503 नंबर की प्रॉपर्टी सी को चली जाए, 201 नंबर की प्रॉपर्टी ई को चली जाए और 404 नंबर की प्रॉपर्टी डी को चली जाए। इस प्रकार का ये फर्द बंटवारा बनवाया जाता है और ये फर्द बंटवारा फाइनल जाता है तहसीलदार के पास। तहसीलदार इसको लेने के बाद और पटवारी की रिपोर्ट संलग्न करने के बाद इस पे फाइनल ऑर्डर करता है और पार्टीशन प्रॉपर्टी का हो जाता है। नेक्स्ट जो तरीका होता है रिलीज डीड होता है। अब ये रिलीज डीड जो होते हैं इसको कहा जाता है त्याग पत्र या हक त्याग कहा जाता है। तो जब भी किसी प्रॉपर्टी में कई सारे शामिल खातेदार होते हैं, इसकी लिमिटेशन क्या है कि आप रिलीज डीड उन्हीं के पक्ष में कर सकते हैं जहां पर आप आपका नाम हो और शामिल खातेदार हो, दूसरे के पक्ष में आप रिलीज डीड नहीं कर सकते हैं। सपोज करिए कि एक ये प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी पे पांच लोगों का नाम है, ए बी सी डी और ई, तो यहां पर रिलीज डीड प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए अगर यूज होगा तो ए जो है वो ई के पक्ष में कर सकता है, बी के, डी के, सी के पक्ष में कर सकता है। इसके अपार्ट अगर हम बात करें तो ए जो है ना तो वो यहां पर अगर कोई अदर पर्सन एफ है तो एफ के पक्ष में नहीं कर सकता, इन्हीं लोगों के बीच में प्रॉपर्टी की रिलीज डीड होगी, दूसरा कोई नहीं बीच में आ सकता है। तो इतने लोगों के बीच में हो सकता है। टिपिकली ये तब यूज किया जाता है जब बहनें अपना हक भाइयों के पक्ष में त्याग करती है, उसका त्यजन करते हैं, या भाई अपना हक भाइयों के पक्ष में त्यजन करता है, तब इसका यूज किया जाता है। ये भी बहुत इसका दूसरा नाम जो है रिलिंक्विशमेंट डीड होता है, या फिर इसे हक त्याग पत्र भी कहा जाता है। तो इस प्रोसेस का भी यूज करके प्रॉपर्टी का पार्टीशन ट्रांसफर या पार्टीशन ट्रांसफर किया जा सकता है बेसिकली। नेक्स्ट होता है पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी का यूज करके प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है, लेकिन इस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ जाती है कि पावर ऑफ अटॉर्नी में कई बार इसको चैलेंज भी किया जा सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी का यूज करके प्रॉपर्टी ना ट्रांसफर किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। खैर, पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है। कैसे? जैसे कि अगर कोई आदमी है जिसके पास किसी भी प्रकार की बोलने की, उठने की क्षमता नहीं है या कुछ भी, वो एक अपना कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करता है और कानूनी प्रतिनिधि को कहा जाता है एजेंट, और जो प्रॉपर्टी बनाने वाला, जो पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने वाला होता है वो प्रिंसिपल कहलाता है। तो प्रिंसिपल के दायरे से एजेंट बाहर नहीं जा सकता है, लेकिन अगर प्रिंसिपल ने अपनी पावर, जो भी प्रिंसिपल है वो अपनी सारी पावर एजेंट को सौंप देता है, तो फिर एजेंट इस बात के लिए स्वतंत्र है कि जो भी प्रॉपर्टी अगर उसको दी गई है पावर ऑफ अटॉर्नी का यूज करके, तो वो फिर उसे ट्रांसफर कर सकता है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी का भी यूज करके प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है। ये छह पॉसिबल सिनारियोज हैं जिनमें सबसे बेस्ट होता है अगर आप फैमिली के बीच में करना चाहते हैं तो रिलिंक्विशमेंट डीड या रिलीज डीड या हक त्याग। दूसरा, अगर आप फैमिली के बीच में किसी और को करना चाहते हैं, जैसे कि अपनी पत्नी को या पुत्र को करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट है गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड में स्टाम्प ड्यूटी कम लगती है। नेक्स्ट होता है कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि किसी थर्ड आदमी को ट्रांसफर करूं, तो फिर ऐसे में आप सीधा बेचा नामा करिए, यानी कि सेल डीड कराइए, और सेल डीड के बेस पर भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपका अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछना, मैं क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नया है सब्सक्राइब करना, अगर आपको वीडियो पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।